तेली बॉडी के पास में वारदात हुई है। इसमें दोनों पक्षों में झगड़ा होने की वजह से करीबन एक पक्ष के तीन और दूसरे के चार लोगों के चोटे में लगी है, घायल भी हुए। पड़ोसा लोग मनोज और थे देखना रहे हो दिल को चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट दे सका। फिलहाल तेलिया बाड़ी है बठे दो पक्षा में पुनी संघर्ष हुए है, वाड़िया और चक्कू तक अठे चले हो रहे हैं। बाद में फरा तफरी हो माहौल हो गयो और जितना भी घायल हा बने राजकीय डीबी अस्पताल है जिका ले गया और हॉस्पिटल की स्थिति थाना दिखाना चाहूंगा कि अठे बहुत ज्यादा भीड़ है जी की होगी बैंक बाद में। और एक बाद में तीन जना ने बताई जा रही प्राप्त आप बताएंगे जी की जानकारी है बैंक अनुसार तीन जना ने हेल्थ सेंटर है वो रेफर कर दिया और दोनों पक्ष का आने का कारण हॉस्पिटल की स्थिति है जी की तनावपूर्ण है जी की जरूर होगी। एक बाद में डिप्टी है और आला अफसर है जी का भी लगातार पूछ रहे हैं हॉस्पिटल और मामले की तहकीकात करना रहे और आप भी जान रही है मामले करांगे पूरा कि यह मामला है लेकिन खतरनाक है जी की अठे आ वारदात हुई है और एंग मायने जी का चाकू और पुआड़ियां चली हैं बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके में मारपीट हुई है। तस्वीर हम थाने दिखा चुका उसका दीवार में निवास पढ़ने के लिए इजाजत हो निवास पढ़ता है मेरे पास अचानक हमलों करे मैं दूर मेरे घर से आगे आके मेरे बाबलो करे लोग मेरा बेटा आप चकुआ से छुरी से ना मारे मारे मेरे जगन भी मारे मेरा देखो और एक भी बाप शबीर यो नाम है और एक ही अजमली नाम है छोड़ो के नाम है समीर समीर वो है नहीं है क्योंकि बस उसे भाग्य मारा छुरी है तो बच्ची है ताकि ना अच्छा से लक्ष्य से अगले लगा इसका छुरी थी सामला कितना था ना मैं सामला था कम से कम 15,000 दोनों तरफ से ही दो दो तीन तीन आदमी घायल है दो एक बस के दो लड़कियों के मेडिकल तरीफ दे दी जयपुर रेफर कर दिया दोनों और दूसरे पक्ष की पार्टी अभी तक भर्ती है मैं उनके लिए मेडिकल तरीफ जारी कर रहा हूँ खिलाड़ी तलवारें चली है लेकिन चोट मेडिकल रिपोर्ट आने पर पता चले कि चोट किस प्रकार की है। तो मौके पर एडिशनल एसपी जी का भी पूछे हैं और भर्ती हॉस्पिटल की बात कर ले तो फिलहाल अठे काफी ज्यादा भीड़ है जी हो गई है और पुलिस जब्त है जी को वो भी है और तनावपूर्ण है पूर्ण है जी को माहौल है और चूरमा चाकू बाजी है जी की हुई है। हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप घायल हो है और वार्ड नौ को मामलो है जंगशेर और शमशेर एंगमाइन घायल है चारों पांच आदमी है जी का एंगमाइन वारदात में जी घायल हो गया और एंग आप यदि अंदाजो लगावा तो वारदात के अंदर तकरीबन 8-9 जना है जी का अब श्री में है चाकू बाजी है जी की करी है और एक बहुत ज्यादा गंभीर है जी को ये मामले में बताया जा रहा है। फिलहाल तीन हॉस्पिटल के अंदर आरएसी है जी की तैनात कर दी गई है और आला अफसर है जी का फिलहाल पहुंच गया है। तेलियों की मस्जिद के पास दो पक्षों में तीसरे पक्ष है दोनों उन दोनों में झगड़ा हो गया जिनकी कोई पुरानी रंजिश बता रहे हैं तो पीछे तो केस चल रहा है तो एक पक्ष में चार लोग घायल हैं दूसरे पक्ष में तीन लोग घायल हैं उसमें से दो गंभीर हैं। पूरी खबर में एक शख्स की मौत हो गई है और फिलहाल मोर्चरी का भीड़ है हरिहर थाना कोतवाली अधिकारी सतीश कुमार यादव बातचीत है जी की शायद परिजनों करते हैं। तेली बॉडी के पास में वारदात हुई है इसमें दोनों पक्षों में झगड़ा होने की वजह से करीबन एक पक्ष के तीन और दूसरे के चार लोगों के चोटे में लगी है घायल भी हुए हैं इसमें एक पक्ष का एक जगशेर है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है।
पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, कार्रवाई जारी है। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया कि कासिम का बेटा है मेजर, जक्सेर पक्ष की इनकी लड़की उसको दी गई है, इनका दहेज का पुराना मुकदमा भी चल रहा है और मेजर ने कोई दूसरी शादी भी कर ली, इस वजह से इन दोनों के आपस में पुरानी छोटी मोटी झगड़े मुकदमे भी हुए हैं और आपस में जिस भी है, और इसी बात को लेकर और अन्य छोटी मोटी बात को लेकर के आज इनके अचानक झगड़ा हो गया, जिससे हमले में हथियार किस तरह के लिए गए, हमले में अभी तक हथियार इन्होंने कुल्हाड़ी चाकू और जो को व्यक्ति और आरोप लगा रखे है, आरोप लगा रहे है, पूरा घटनाक्रम बता रहे है एवं जो को सामलो पक्ष हो बेमु एक व्यक्ति की है जिकी मौत हो गई, तो आप मानते हैं कि तो ज्यादा खतरनाक मामलो है जिको रेड है, तो खतरनाक तरीकों है मारपीट है हुई है, दो पक्षा में चाकूबाजी हुई है, अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर मामलो है वो, और हॉस्पिटल के अंदर की स्थिति भी एक बार आ रही है, दोनों पक्ष आठे भी अब श्री में लड़ने बेताबू हो गया, जाप्तो पुलिस है जिको तैनात कर दिए गए है और जब तक रिपोर्टिंग कर ला रहे हो जब तक जो आर वो दिन है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भीड़ है जिसके अड्डे करने मिल सके है, और आज की खबर ही थारा फीडबैक पर जरूर बताइयो, जय चुरू जय राजस्थान जय हिंद।